उस समस्या का समाधान पता होते ही सम्राट उस तपस्वी द्वारा बताए गए रास्ते पर निकल पड़ते हैं और पूरे रास्ते यही सोचते हैं सम्राट कि ये सब समस्याएं मेरे उस दिन द्वारा की गई गलती का परिणाम हैं। उस समय मेरे राज्य की प्रजा खुशहाल जीवन जी रही थी। अद्भुत सम्राट अद्भुत। अरे महामंत्री जी, आप सम्राट, आपकी किसी भी अस्त्र शस्त्र द्वारा भेदने की क्षमता बहुत तेज है। ये कोई बड़ी बात नहीं है महामंत्री जी, अगर हम अपने शरीर की पूरी ऊर्जा उस एक प्रहार पर लगा दें तो ऐसा हो सकता है। जी सम्राट। सम्राट सम्राट सम्राट, क्या हुआ, आप लोग इतने परेशान क्यों हैं? सम्राट, हमारे नगर के लोग एक एक करके गायब हो रहे हैं। आज सवेरे ही पता चला, बिरजू नाम का किसान जो कल से लापता था, उसकी लाश पास के जंगल में मिली और उसे देखकर लग रहा है जैसे किसी खूंखार जानवर ने उसे मार डाला है। नगर के सभी लोग घबराए हुए हैं। सेनापति जी, नगर में आज ही सूचित कर दिया जाए कि उस जंगल के रास्ते कोई नहीं जाएगा। जी सम्राट। सम्राट उस खूंखार जानवर को मारने के लिए स्वयं निकल पड़ते हैं और सैनिकों को जंगल के बाहर तैनात कर देते हैं। सम्राट को वह खूंखार शेर नजर आ जाता है। सम्राट देर न करते हुए उस शेर पर तीर चला देते हैं। सम्राट उस शेर के पास जाते हैं। वे देखते हैं उनका तीर एकदम ठीक निशाने पर लगा है, लेकिन यह देखकर भी चौंक जाते हैं कि उस शेर के थोड़ी दूरी पर कुछ मिट्टी के खिलौने डले हुए हैं और वे ये भी देखते हैं उन खिलौने के पास किसी अजनबी की लाश भी पड़ी हुई है जो कि खून से लटपट है। उसी व्यक्ति के पास के पेड़ पर सम्राट का वह तीर लगा हुआ दिखाई देता है। सम्राट यह देखकर बड़े दुखी होते हैं कि उनके तीर से किसी निर्दोष की हत्या हो गई। महामंत्री जी बताते हैं यह खिलौने वाला था जो दो दिन से इस जंगल में रुका हुआ था, लेकिन सम्राट उसकी हत्या का कसूरवार आज भी खुद को ही समझते हैं।